अब सिर्फ प्लस वन। देखो तो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर इज वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी पर। एंड इस चैप्टर के कॉन्टिन्यूटी में दो चैप्टर और हैं, एक आपका जो है कोलिजन्स और एक सेंटर ऑफ मास, और उसके बाद फिर स्टार्ट होगा रोटेशनल, राइट। तो ये सीक्वेंस है पूरा। तो हम स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी पार। ये थ्योरी वाइज इतना छोटा है वर्क एनर्जी पार कि मैं आज 25% अभी आधे घंटे में ख़त्म कर दूंगा, और अगर मैं चाहूँ तो बाकी 75% आधे घंटे में अगली बार ख़त्म हो जाएगा। बस एनसीईआरटी लेवल इतना ही है, चार डेरिवेशन टोटल है और दो आज हो जाएंगी तो अगली बार ख़त्म हो गया। लेकिन ये न्यूमेरिकली इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, आपको बंडल देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये इसको हल्के में लिया नहीं जा सकता। ठीक, उसके असाइनमेंट्स की प्रिंटिंग अभी लगेगी संडे को हमारी, उसमें ठीक ठाक किताबी तैयार होएगी उसमें। ठीक, इसके न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है क्योंकि ये फोर्स, फ्रिक्शन, सर्कुलर, काइनेमेटिक्स सब का जो है सब इन्वॉल्व करके चलेगा, तो इसकी वैरायटी ठीक ठाक बनती है। और क्योंकि इसमें नए टॉपिक्स आते हैं, स्प्रिंग्स जो हमने किए नहीं, तो स्प्रिंग के ऊपर ही एक लेक्चर कम से कम निकल जाता है। ठीक, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक के साथ, और स्टार्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ वर्क के साथ, वर्क डन। ठीक, वर्क डन या वर्क क्या चीज है? बेसिकली अगर आप एक बॉडी के ऊपर एफ फोर्स लगाते हो, एस डिस्प्लेसमेंट है, तो बोलो ये अगर 10 न्यूटन है, ये 5 मीटर है और ये 30 डिग्री है, तो बोलो वर्क डन क्या होगा? 50 तो नहीं कहते, एफ इंटू एस, यस। वो 10 से पहले कहते हैं, प्लस वन में थोड़ा ना कहते हैं, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट क्योंकि प्लस वन में फोर्स इज अ वेक्टर, एस इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, और दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में या डॉट या क्रॉस लगेगा, क्योंकि वर्क डन इज अ स्केलर, इसलिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो इसीलिए जब इसको एक्सपैंड करते हैं तो वर्क डन की वैल्यू आती है एफ एस इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एफ एंड एस। तो जैसे इस क्वेश्चन में फोर्स 10 है, डिस्प्लेसमेंट 5 है, कॉस ऑफ एंगल इसके बीच में कितना है, 30। तो इतने जूल्स आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो वर्क डन का फॉर्मूला आज जो इस अब हम यूज करेंगे एफ एस कॉस थीटा के हिसाब से करेंगे। ठीक, ये तो वर्क डन की बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगली बार आज मैं शीट दे नहीं रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया कि वो शीट इकट्ठी प्रिंट आउट होनी है, एक शीट में देना नहीं चाहता था आज, तो मैं प्रिंट ही नहीं करके लाया। तो नेक्स्ट टाइम बंडल बना के दूंगा, जो मैं लिख रहा हूं सब सीक्वेंस में उसमें लिखा जाएगा। देखो तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें दो टर्म्स और यूज होंगी, पहली कंजर्वेटिव एंड दूसरी नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या मतलब है इनका, काफी डिटेल में इसको भी डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस है कि अगर सपोज जिनके अगेंस्ट में काम करो, जैसे मैंने एक मास को उठा के यहां से यहां रख दिया, कितनी हाइट पे रखा, एच हाइट पे रख दिया, तो मैं सीधा रखूं और मैं हां वर्क डन अगेंस्ट क्या कर रहा हूं, ग्रेविटी। तो अगर मैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी करता हूं और मैं मास को यहां से यहां रखता हूं, या मैं इस रास्ते से रखता हूं, घुमा के रखूं मेरी मर्जी,
या मैं इंक्लाइंड प्लेन पे उठा के ऊपर लेके जाता हूं सच दैट उसकी वर्टिकल हाइट अभी भी कितनी है, एच। ऐसे उठा के ले जाऊं, ऐसे उठा के ले जाऊं, इंक्लाइंड प्लेन से ले जाऊं, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एच। और अगर वर्क डन की वैल्यू किसी भी रास्ते के ऊपर डिपेंड ना करे, क्या आप सीधा लेके आए और टेढ़ा लेके आए, गोल लेके आओ, जैसे मर्जी लेके आओ, वर्क डन अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करे बस, तो हम बोलते हैं कि वर्क डन या जो फोर्स है जिसके अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है दैट इज कंजर्वेटिव। तो तभी बोला जाता है कि जो ग्रेविटी की फोर्स है दैट इज कंजर्वेटिव। क्यों? क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर आप काम करते हो, सिर्फ ये मैटर करता है कि आप ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट ऊपर ले गए, ये मैटर नहीं करता आप किस रास्ते से ऊपर ले गए। रास्ता कोई भी हो, अगर डिस्टेंस एच है तो वर्क डन सेम ही आएगा। तो याद रखना ग्रेविटी की फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। ठीक, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी हुई, जिनके अगेंस्ट अगर हम काम करें वो जो वर्क डन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वो कंजर्वेटिव। एक और फोर्स है जिसको नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं। अब नॉन कंजर्वेटिव क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है कि जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट को, इस ब्लॉक को उठा के मैं यहां से यहां लेके आना चाहता हूं घसीट के, तो मैं वर्क डन करूंगा अगेंस्ट फ्रिक्शन। ग्रेविटी का कोई चक्कर नहीं, फ्रिक्शन। कोई कहता है कि मैं सीधा ले आऊं, कोई कहता है मैं पूरे रूम में घुमा के ले आऊं। तो अगर कोई सीधा लेके आएगा तो अगेंस्ट फ्रिक्शन उसका वर्क डन कम होगा, और अगर लंबे रास्ते से लेके आएगा तो उसका वर्क डन ज्यादा होगा। तो फ्रिक्शन की फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि इसके अगेंस्ट वर्क डन जब हम करते हैं तो वो पाथ पे डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते से लेके आए, उस पे डिपेंड करता है, तो वो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो कंजर्वेटिव का मतलब कि अगर उसके अगेंस्ट काम किया जाए, वर्क डन किया जाए, तो वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा। दो डेफिनेशंस क्लियर है? तो आपका जो पहला टॉपिक जो है, जो स्टार्ट होता है वो, और हम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों फोर्सेस को ही स्टडी करते हैं। हमने नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन को स्टडी किया हुआ है, लेकिन हमने अभी तक वर्क डन का फॉर्मूला नहीं निकाला, क्योंकि हमने वर्क डन सीखा ही आज, तो हमने वर्क डन नहीं निकाले। वैसे हमें पता है कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। तो पहला टॉपिक इसमें ही आता है कि प्रूव दैट वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉन्स्टेंट। ये प्रूव करना है कि अगर मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करूंगा तो वो हमेशा वर्क डन कॉन्स्टेंट ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगा, सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, और मैं इस ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट पर ले आया, h, किस रास्ते से, इस रास्ते से ले आया। तो मैंने वर्क डन कितना किया, मैंने वर्क डन किया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू, मुझे बताओ जब मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाऊंगा मैं फोर्स लगाऊंगा कहां, ऊपर, तभी ऊपर जाएगा, अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी कहां होगी, ऊपर। तो फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, एंगल उनके बीच में cos 0 क्या होता है, 1। तो मैं फोर्स लगाऊंगा कितनी, जितना बॉडी का वेट है, वेट जितनी फोर्स लगा दूंगा, और इनटू h, cos 0 1 होता है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, mg। सबको पता है आप अगर ऑब्जेक्ट को h हाइट पर लेके आते हो तो वर्क डन की वैल्यू mgh है, और वही स्टोर हो जाती है उसमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। mgh क्लियर है? और कैसे सॉल्व किया, क्लियर है? फोर्स mg ऊपर की तरफ आपने लगानी है अगेंस्ट वेट, और एच भी ऊपर की तरफ, एंगल उनके बीच में 0। कोई डाउट इसमें? कोई कहता मैं तो ऐसे लेके ही नहीं आता। केस नंबर टू में सपोज ये आपका एक ऑब्जेक्ट है m, और सपोज वो कहता है मैं तो पहले यहां लेके आऊंगा ऐसे, तो a से लेके b पे लेके आऊंगा, फिर मैं ऊपर लेके जाऊंगा ये रहा, c पे लेके जाऊंगा, c से फिर मैं d पे लेके आऊंगा, और फिर मैं कहीं जाके इसको यहां लेके आऊंगा, और हाइट मैं भी h ही कवर करूंगा, सेम हाइट मेरी भी इतनी है। तो
वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, इसमें भी एम जी एच आएगा। कैसे? अगर कोई वर्क डन ए बी पोर्शन का निकालता है, ए से लेके बी, तो कोई कहेगा उसमें है क्या, मैंने उसको ऐसे धक्का मारा था और ब्लॉक इधर से इधर चला गया, पर मैं इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को स्टडी कहां कर रहा हूं, मैं तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी की बात कर रहा हूं, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में फोर्स भी कहां लगेगी, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इसमें हम कंसिडर नहीं करते। आपने ऐसे धक्का मारा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं अपना काम करूंगा अगेंस्ट ग्रेविटी। हाँ, वो कोई कहता अगर ऐसे धक्का मारना लाउड नहीं है इस गेम में, कोई बात नहीं, सर पे उठा लूं, हाँ उठा ले, क्योंकि सर पे जब उठाएगा तो वर्क डन फोर्स कैसे कर रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी। कहता सर पे उठा के रख दूं, बिल्कुल रख दे, सर पे उठाया, ए से लेके बी पे ले आया। अब जब सर पे उठा रहा है, फोर्स कहां लगा रहा है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहां कर रहा है, इधर, एंगल उनके बीच में कितना कर रहा है, 90। तो जब वर्क डन करेगा एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट ए बी, ए बी कॉस क्या पुट कर लेगा, 90, क्योंकि फोर्स इज अगेंस्ट ग्रेविटी, राइट। हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात नहीं करेंगे, अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स बात करेंगे, ऑटोमेटिकली आंसर क्या जाएगा, जीरो। तभी तो फिजिक्स में बोला जाता है कि पूरा दिन कुली कोई काम करता ही नहीं, क्योंकि कुली के हिसाब से काम इसलिए नहीं हो रहा, कुली ने बोझ सिर पे उठा लिया, डिस्प्लेसमेंट वो हॉरिजॉन्टल करे जा रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एंगल हमेशा 90। तो फिजिक्स वालों के हिसाब से कुली कोई काम नहीं करता, अगेंस्ट ग्रेविटी जो भी काम करता है, ठीक। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो अगेंस्ट ग्रेविटी ए बी का जीरो। लेकिन अगर आप वर्क डन बी सी का निकालोगे, बी सी, तो फोर्स कितनी लगाओगे ऊपर की तरफ, वेट जितनी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बी से लेके सी तक, और एंगल बोलो क्या होगा, जीरो, क्योंकि आप ऊपर लेके जा रहे हो, फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो आंसर क्या आएगा यहां पर, एम जी इंटू बी सी। क्लियर है यहां तक? अच्छा, यहां का वर्क डन क्या होगा सी डी का, जीरो, क्योंकि वर्क डन कहां हो रहा है, फोर्स कहां हो रही है, वर्टिकल, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, एंगल फिर क्या बन गया, नाइट। भाई कुली जब हॉरिजॉन्टल वर्क चाहे इधर करे चाहे इधर करे, वर्क डन तो जीरो आएगा, तो यहां का भी जीरो। और लास्ट डीई का, तो वर्क डन डीई की फॉर्म में एम जी ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट डीई ऊपर की तरफ, एंगल इनके बीच में जीरो, तो क्या आएगा, एम जी इंटू डीई, यानी कि टोटल वर्क डन अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो इनका वर्क डन तो हो गया जीरो, इसका और इसका ऐड कर दें, जब टोटल वर्क डन में ऐड करेंगे एम जी इंटू बी सी प्लस डीई ऐड करोगे, तो बी सी और डीई ऐड हो गया, और बी सी और डीई किसके इक्वल है, एच, तो वर्क डन फिर से क्या आ गया, एम जी एच। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो आप चाहे वर्क डन जो है सीधा कर लो या घुमा के कर लो, घुमाने में हॉरिजॉन्टल के तो काउंट नहीं होने वाले, वर्टिकल मिला के फिर से एम जी एच होंगे, और वर्टिकल का मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक। तो आंसर फिर से एम जी एच। कोई कहता है ठीक है मैं ऐसे करूंगा ही नहीं वर्क डन, मैं केस नंबर थ्री यूज करता हूं। केस नंबर थ्री में वो क्या करता है, इंक्लाइन प्लेन यूज करता है। इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है, थीटा। वो कहता है मैं तो ब्लॉक को ऐसे लेके जा रहा हूं, और वर्टिकल हाइट मैं भी कितनी प्रोड्यूस कर दूंगा, एच। तो मैंने कहा जब तू ऊपर लेके जा रहा था तो ये बता मिनिमम फोर्स कितनी लगाएगा, तो उसने कहा देखो एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, ये ब्लॉक एम जी साइन थीटा फोर्स से नीचे की तरफ आ रही है, तो मैं जो फोर्स लगाऊंगा वो कम से कम कितनी लगाऊंगा, एम जी साइन थीटा ऊपर की तरफ लगाऊंगा, तभी ब्लॉक चाहे एक्सलरेट नहीं करे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी धीरे धीरे ऊपर तो चला ही जाएगा, तो मैं फोर्स मिनिमम कितनी लगाऊंगा, एम जी साइन थीटा, कहां लगाऊंगा, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट भी सपोज कितनी है ऊपर की तरफ, एस, तो बोलो वर्क डन क्या होगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ जीरो, क्योंकि फोर्स मैं कहां लगा रहा हूं, इंक्लाइन प्लेन की तरफ ऐसे, डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रही है, ऐसी, फोर्स भी ऐसे, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे, एंगल जीरो। तो बताओ मैं कम से कम कितनी फोर्स लगाऊंगा, एम जी साइन थीटा इंटू एस कॉस जीरो क्या है, वन। अब इस ट्राइंगल में साइन थीटा किसके इक्वल है, एच डिवाइडेड बाय एस, तो पुट करें एम जी एच बाय एस इंटू एस, आंसर फिर क्या आ गया, एम जी एच। पॉइंट समझ में
रहे यहां तक, तो हर हालत में आंसर विल रिमेन सेम अगेंस्ट ग्रेविटी। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ जीरो करेंगे और फोर्स की जगह एमजी साइन थीटा पुट कर देंगे। ठीक, कोई कहता मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं चेंज करता हूं, मैं जिगजैग पाथ पे करूंगा। मैंने कहा कैसे? करा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा, इस पे करूंगा। अब क्या करोगे आप? तो हाइट अभी भी इसकी एच है। मैंने कहा करना क्या है? जब तू डिस्प्लेसमेंट करेगा ना टेढ़ी, मैं इमेजिन कर लूंगा कि तू आगे भी लेके जा रहा है और ऊपर भी लेके जा रहा है, 2D ब्रेक कर लूंगा। और हॉरिजॉन्टल के वर्क डन को काउंट मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जब बॉडी हॉरिजॉन्टल जाती है तो वर्क डन में कुली वाला केस है, वर्क डन क्या हो जाता है? जीरो। और जब मैं वर्टिकल वर्टिकल हाइट ऐड करूंगा तो फिर से मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? एमजीएच। ये मैथमेटिकली तो नहीं प्रूव करना, ऐसी छोड़ देंगे। कैसे लिखना है वो आपको शीट पे अगली बार लिख के दूंगा, अगर स्कूल में आएगा आपने कैसे उसको प्रूव करना है। तो पॉइंट क्लियर है, ये चैप्टर कहां से स्टार्ट है और इजी भी लग रहा है, ऑब्वियसली इसमें कुछ ज्यादा है नहीं अभी के लिए। ठीक, ऑब्वियसली यार अब लेवल तो उठेगा ही धीरे धीरे करके, एनर्जी है ना, वर्कडन है, वर्कडन कहाँ का करवा लेगा ये थोड़ा पता है क्या करेगा है। इसके अच्छी खासी वैरायटी, अच्छा खासा लेवल, बिलीव में ये करने के बाद फोर्थ फ्रिक्शन को इजी बोलोगे, आसान ही बोलोगे, आप कहोगे यार बच्चों वाले चैप्टर थे वो। तो ठीक है, इसका लेवल मजा आएगा इसमें। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है पहले ये बताओ? ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक, बट अगेन मैं फिर कहूंगा, क्योंकि इसमें फोर्स इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हमें पुराने कॉन्सेप्ट काफी प्रैक्टिस किए हुए हैं, इसलिए आसान लगता है। ये आसान इसलिए नहीं लग रहा, अदरवाइज तो लेके बैठे रहोगे इसको। अगर फॉर्मली करूंगा, आप भी लिख रहे हो मैं भी लिख रहा हूं, तो 15 मिनट से पहले खत्म नहीं होने वाला ये। पर आपको क्योंकि कॉन्सेप्ट अब थोड़ा प्रैक्टिस से ज्यादा दिखता है, या इतने क्वेश्चन के बाद 100 के बाद 5-7 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही दोगे, इतनी रेशियो निकल के आती होगी। ठीक, तो क्योंकि इतने 100 क्वेश्चन करवाने के बाद हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन ठीक करना है फाइनल वाले, सिर्फ एक, इतनी रेशियो चाहिए बस। ठीक, जब वो एक आएगा देखो, अब इसके अंदर एक और चीज आती है कि जब एक किसी भी बॉडी को देखो, किसी भी बॉडी को जब आप यहां से ड्रॉप करते हो, ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, वो हवा में कहीं यहां आएगी नीचे गिरने से पहले और फाइनली ग्राउंड पे लैंड कर जाएगी ऐसे। ठीक, और आपने कितनी हाइट से गिरा? एच हाइट से गिरा। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट मैकेनिकल एनर्जी का मतलब सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। ऐसा शायद छोटी क्लास में करवाते भी होंगे, ऐसा होता था, नहीं होता भी हो जाएगा देखो। तो यहां पर इस पोजीशन पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक निकलेगी, यहां पर पोटेंशियल बोलो कितनी है? एम जी एच। काइनेटिक कितनी है? जीरो। ठीक, टोटल एम जी एच। फिर रास्ते में जब वो नीचे गिरेगी, मान लो एक मिनट के लिए वो एक्स डिस्टेंस कवर करती है, और हवा में इसकी वेलोसिटी अभी कितनी है? वी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो है, और डिस्टेंस एक्स है, तो वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज 2 इंटू जी इंटू एक्स। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2gx। तो इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक देखते हैं। पोटेंशियल की वैल्यू बोलो क्या होगी? अगर ये एक्स है, हाँ, ये एच माइनस एक्स है, पोटेंशियल आएगी एम जी इंटू एच माइनस, ठीक, ग्राउंड से हाइट देखी जाएगी। और काइनेटिक क्या आएगी? हाफ इंटू एम इंटू वी का। तो मान लो इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी वी है, तो एम जी एच माइनस एक्स प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर मैंने निकाला हुआ है कितना? 2gx। तो 2 से 2 कैंसल, इसे ओपन करते हैं, एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स, ये क्या हो गया? कैंसल। तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी? फिर से सेम कॉन्स्टेंट। ठीक है यहां तक? और लेट अस सपोज नीचे गिरते ही इसकी वेलोसिटी वी डैश हो जाती है स्टार्टिंग से, एच डिस्टेंस के बाद,
वी डैश का स्क्वायर जीरो स्क्वायर टू इंटू जी इंटू एच, इसमें इसमें इक्वेशन, तो वी डैश का स्क्वायर आ गया टू जी एच। तो इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक जब निकलेगी तो पोटेंशियल तो हो जाएगी जीरो, काइनेटिक में हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, वी डैश की वैल्यू कितनी है टू जी एच, टू से टू कैंसल, आंसर इज एम जी एच। तो मतलब ये सेकेंड टॉपिक है जिसमें ये बताया जाता है कि जब आप बॉडी को रिलीज करोगे एक पॉइंट से, हवा में किसी भी पॉइंट पे ले लेना, टोटल एनर्जी क्या आएगी, कॉस्ट। ठीक, सही है, ठीक। अब तीसरी बात करते हैं, इसमें तीसरी बात है एनर्जी की। ठीक, देखो एनर्जी रिलेटेड चीजें कैसे करनी है इसको समझते हैं। ठीक, ये मैं लिख के दूंगा आपको शीट पे सारा, अगली बार तो आपको रिवाइज भी करवा दूंगा जो हमने आज किया। ठीक, देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बेसिकली एनर्जी के ऊपर है। कोई भी एनर्जी को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, पहला मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और दूसरी नॉन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। नॉन मैकेनिकल एनर्जी में जैसे साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या दुनिया भर की सारी एनर्जी जो है नॉन मैकेनिकल ही है। हम जो स्टडी करेंगे इस चैप्टर में वो मैकेनिकल है बस। नॉन मैकेनिकल में साउंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हम जनवरी में करेंगे, साउंड वेव आपके सिलेबस में है। लाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्लस टू में ऑप्टिक्स आपके सिलेबस में है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो है ही प्लस टू के पूरे सिलेबस में। तो इस तरीके से ये सारी एनर्जीज हम दो साल में स्टडी करेंगे। और आप जो फिजिक्स है वो नॉर्मली दो हिस्सों में बंटने वाली है, जैसा कि हमेशा फिजिक्स में दो ही चीज़ें होती हैं वैसे, या फोर्स या एनर्जी। तो हम कॉन्सेप्ट, अभी हमने क्या किया, एक महीना लगा के सिर्फ फोर्स को डिस्कस किया, अब हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो हमने पहले किया लेकिन एनर्जी के साथ। हम कोई भी चैप्टर जो ओपन करेंगे अब से, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है प्लस टू का, चाहे मैग्नेटिक है, तो आधा चैप्टर चलेगा फोर्स पे, आधा एनर्जी पे, आधा फोर्स पे उसका फिर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। तो मतलब एक अगर मान लो जैसे मैं स्प्रिंग को खींचता हूं, तो स्प्रिंग को खींचने के लिए मुझे क्या लगानी पड़ती है, फोर्स। उस फोर्स के रिजल्ट से क्या स्टोर हो जाती है उसमें, एनर्जी। अगर मैं पत्थर को उठाता हूं अगेंस्ट ग्रेविटी, तो मैं क्या लगाता हूं, फोर्स, और मैं फोर्स से क्या करता हूं, वर्क डन, और उसमें क्या डेवलप हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों चीजें इकट्ठी पैरेलल चलती हैं, तो एक बार फोर्स एक बार एनर्जी, राइट। तो ये चैप्टर जो डील करेगा वो एनर्जी में करेगा। तो हम स्टडी करेंगे पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फर्दर दो टाइप्स की है। पहली टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरे टाइप की एनर्जी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे स्प्रिंग्स में होती है, स्प्रिंग को खींचते हो स्प्रिंग वापस आ जाता है, तो स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, स्प्रिंग को खींचने के लिए क्या लगानी पड़ती है, फोर्स। ठीक है यहां तक, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। और उनमें से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सबको पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब एम जी एच। मैं रूल बता दूं एनर्जी को स्टोर करने का, एनर्जी का स्टोरेज का रूल क्या है। वैसे एनर्जी को स्टोर करने का ये रूल है, जैसे कि मैंने इसमें एनर्जी भर दी थी अभी आपने देखा, और फिर ये घूमा, मैंने वर्क डन किया होगा ऐसे करने में कभी ना कभी, और देखो मैंने छोड़ दिया तो ये वापस आ रहा है। देखो कोई भी एनर्जी को स्टोर करने का क्या तरीका है, जब भी आप अगेंस्ट नेचर काम करेंगे आपको फोर्स लगानी ही पड़ेगी, नेचर के उल्टा काम करना है। जैसे पत्थर चाहता है मैं जमीन पर पड़ा रहूं, नेचर चाहती है कि ग्रेविटी का अफेक्ट नीचे ही हो और वो आराम से नीचे आराम करना चाहता है।
आप कहते हो नहीं मैं इसके ऊपर उठाऊंगा, तो उठा लो ऊपर, तो लगाओ फोर्स, तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी, ग्रेविटी लगाया। ऐसा करने में आपने क्या किया, वर्क डन। मान लो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन स्टोर हो गया 10 जूल, तो हम बोलते हैं कि इसमें पेन में एनर्जी स्टोर हो गई 10 जूल, जितना भी मैंने वर्क डन किया वो सारी की सारी इसमें स्टोर है 10 जूल। अब देखना चाहते हो, देखो मैं छोड़ रहा हूं इसे, ये खुद वर्क डन करेगा और नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या स्टोर है, एनर्जी। कोएगा ये क्या बात बनी, आप ऐसे समझाओ कि पत्थर को फोर्स मिली, अर्थ ने फोर्स लगाई और वो नीचे आ गया। सेम कॉन्सेप्ट फोर्स से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है और सेम कॉन्सेप्ट एनर्जी से भी, पर फोर्स में होगा क्या, फोर्स में ऐसे समझाएंगे क्योंकि ये पत्थर ऊपर गया क्योंकि मैंने फोर्स लगाई अगेंस्ट ग्रेविटी, और ये नीचे इसलिए आया क्योंकि ग्रेविटी ने फोर्स इसे नीचे लगाई। बात खत्म हो गई। पर ये नीचे क्यों आया फिर, ऐसे तो, फिर ऐसे तो ये वाला पेंसिल बॉक्स है, ये पेन ऐसे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि फोर्स नहीं लग रही। फोर्स एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है, बट एनर्जी से भी दी जा सकती है कि मैंने जब फोर्स लगाया तो बॉडी डिस्प्लेस हुई, और जब फोर्स लगाने से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होती है तो मैंने वर्क डन किया और वो वर्क डन स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आपने अगेंस्ट नेचर काम किया और उसमें क्या भर गई, एनर्जी, और वो अपने एनर्जी को कम करना चाहता है जो आपने स्टोर की, वो वापस से जीरो करना चाहता है, जिस वजह से वो नीचे आएगा। पहला लॉजिक क्लियर है। दूसरी एक्सप्लेनेशन, सपोज करो एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे रहना चाहता है जैसा वो है, ना वो कंप्रेस होना चाहता है ना वो एक्सपैंड होना चाहता है। आप जबरदस्ती करे जा रहे हो, मैं खींचूंगा तेरे को और खींचूंगा और, तो खींच लो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। वर्क डन करने के लिए आपको क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स। आपने फोर्स लगाया, स्प्रिंग डिस्प्लेस हुआ, आपने वर्क डन किया, मान लो 10 जूल कर दिया, आप छोड़ दो भाई, आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो ना, आप छोड़ो उसे, जैसे ही छोड़ोगे वापस वहीं आ जाएगा और नेचुरल लेंथ पे आने की कोशिश करेगा, सारी एनर्जी को लूज करेगा। तो यानी कि स्प्रिंग में भी क्या भर गई, एनर्जी, आपने अगेंस्ट नेचर काम किया, राइट। जैसे सपोज करो दो चार्जेस हैं, प्लस टू में सिखाते हैं, दो चार्जेस हैं, एक क्यू एंड एक क्यू, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों इकट्ठा रहने नहीं चाहते। अब क्या प्रॉब्लम है, मैंने जबरदस्ती पकड़ के इन्हें यहां रखा हुआ है। अब अगर मैं फोर्स लगानी, अब देखो ये तो अपने दूर बैठे थे कहीं, मैं जबरदस्ती इनको पास लेके आया दो चार्जेस को कि तुम पास आओ। अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगेंस्ट रिपल्शन वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे वर्क डन करना पड़ा ताकि वो अगेंस्ट, देखो अगेंस्ट नेचर काम कर रहा हूं, क्योंकि प्लस प्लस रिपेल करते हैं, पर मैं उल्टा काम कर रहा हूं, मैं उनको पास लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे अगेंस्ट रिपल्शन काम करना पड़ेगा, अगेंस्ट नेचर काम करना पड़ेगा, और मैंने वर्क डन कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने छोड़ा फिर वापस, क्योंकि उनमें क्या स्टोर हो गई, एनर्जी। सेम कॉन्सेप्ट फोर्स से भी एक्सप्लेन्ड है, प्लस प्लस रिपेल ही चितर, पर रिपेल होने से डिस्प्लेसमेंट होगी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कॉम्बिनेशन वर्क डन है, और वर्क डन ही एनर्जी है। पॉइंट समझ में आ रहा है। लास्ट एग्जांपल, सपोज करो ये नॉन मेडिकल लेना नहीं चाहता, और जस्ट एग्जांपल एक्स वाई जेड एग्जांपल ले रहे हैं, लेना नहीं चाहता, फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहता, घर बैठे। अब पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं लेना पड़ेगा, अगेंस्ट नेचर, अगेंस्ट नेचर काम हो रहा है, वो कहता है मैंने लेना नहीं, वो कहता है लेना पड़ेगा। अब क्लास में आ गया, मैं कह रहा हूँ पढ़ना पड़ेगा, उसकी नेचर नहीं है, वो कह रहे हैं नहीं पढ़ना मुझे, और मैं कह रहा हूँ तो पढ़ना पड़ेगा। अब जब तक इसके ऊपर ड्राइविंग फोर्सेज हैं सोसाइटी की, तब तक ये बैठेगा भी और ये पढ़ेगा भी, लेकिन अगर इसको ऑप्शन दे दिया जाए, तू खुल आज़ाद है, तू कुछ नहीं को कहेगा, पढ़ाई बंद, तो हो सकता है, हो क्या सकता है, नेचर के लॉ के अगेंस्ट काम हो रहा है, ये इस क्लास में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या भर गई, एनर्जी। ये बैठा तो है पर मन में सोच ही जा रहा है मैं कब छुट्टी हो, कब छुट्टी हो और मैं यहां से जाऊं। नेचर का लॉ है, सिर्फ वो बस मेजरेबल नहीं है, क्योंकि मोशंस मेजरेबल नहीं है, ये फिजिक्स मेजरेबल है। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो जब जब अगेंस्ट नेचर काम होगा, उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी भर ही जाएगी और वो रिलीज करेगी करेगी जब उसको ऑप्शन दिया जाएगा रिलीज करने के लिए। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो जब हम एनर्जी भरते हैं, अगेन आप टैंक भी भरते हो पानी का, तो पानी स्टोर कहां होना चाहता है? पानी तो चाहता है मैं तो नीचे जाऊं बिल्डिंग के। आप जबरदस्ती मोटर चढ़ा के अगेंस्ट ग्रेविटी काम करे जा रहे हो, बिजली की फॉर्म में आपने एनर्जी दी, उसने पानी चढ़ा दिया, पानी को तो बंद करके रखा हुआ है आपने,
आप उसको खोल के देखो तो वो फटाफट नीचे आएगा। जबरदस्ती काम कर रहे हो, जबरदस्ती स्टोर किया हुआ है। हम बोलते हैं पानी स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसमें स्टोर हो गई है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इस चैप्टर में बस कुछ नहीं है, हम एनर्जी ही भरेंगे इसमें और एनर्जी कंजर्वेशन करते रहेंगे। ठीक है यहाँ तक? टाइम क्या हुआ है? इसी कॉन्सेप्ट को फिर नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट टाइम इसे काफी आगे तक लेके जाएंगे।